जीवन समझदारी से जीना चाहिए, समझदारी अचानक तो नहीं आ जाती है कि बाजार से जाओ खरीद लाओ। धीरे धीरे जैसे जैसे समझ खुलती है, अनुभव बढ़ता है, वैसे जीवन बेहतर होना चाहिए। अभी एक दौर देखने में आ रहा है, विज्ञान ने भोगों की इतनी राशि इकट्ठी कर दी है, इतनी चीज़ें दे दी हैं कि आदमी की बुद्धि एकदम चौंधिया गई है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जीना चाहिए। सब धर्म कर्म खो गया, पूजा उपासना खोती जा रही है, और सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना अंधी दौड़, जिसके पास नहीं है कुछ वो कुछ पाने के लिए एकदम दौड़ा जा रहा है, जिसके पास कुछ है उसको वो बहुत थोड़ा जान पड़ता है, और जिसके पास बहुत है वो सोचता है दुनिया में मैं किस नंबर पे हूँ। हिंदुस्तान में जो बड़े धनपति लोग हैं उनसे थोड़े से पैसे निकलवा पाना धर्म कर्म के लिए बहुत मुश्किल है। वो सोचते हैं कुछ पैसा दे दिया तो ऐसा ना हो कि हमारी वो रैंकिंग कम हो जाए, अभी हम एक नंबर के अमीर हैं, ऐसा ना हो कि कुछ हम दान दे दें, कुछ पुण्य कर दें तो हम तीन नंबर पर पहुंच जाएं। JRD टाटा थे, तो टाटा कंपनी के मुखिया अभी तो रतन टाटा हैं, उन्होंने भी शादी नहीं की है, बुज़ुर्ग हैं। JRD टाटा ने भी शायद शादी नहीं की थी, और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक थे। भारत में एक जमशेद जी टाटा हुए हैं जिनके नाम पर बिहार में झारखंड में जमशेद नगर बसाया गया है, जमशेद नगर। तो उन्होंने भारत में पहली बार एक हिंदुस्तानी कंपनी लगाई थी, वही जमशेद जी टाटा वही थे। ये मूलतः इंडियन नहीं हैं, विदेशी हैं, ये लोग फारस के हैं, पारसी हैं ये लोग, ईरान। जब ईरान में मुसलमानों का कब्जा हुआ तो ये लोग भाग करके हिंदुस्तान आ गए थे, ये पारसी कहलाते हैं, बहुत थोड़े से हैं। तो करीब 800 वर्षों से पारसी हिंदुस्तान में हैं, वो अपने आप को हिंदुस्तानी बताते हैं, हिंदुस्तानी मानते हैं। धर्म उनका पारसी, वो आग की पूजा करते हैं, वेदों में आग की बड़ी महिमा बताई गई है। तो पारसी और जो पुराना हिंदू धर्म है उसमें बड़ी समानताएं हैं, इसलिए वो लोग जब मुसलमानों ने उनके यहाँ आक्रमण किया तो छोड़ करके हिंदुस्तान आ गए। मुंबई है, गुजरात है, बॉम्बे है, इन जगहों पर ये सेटल हो गए हैं पारसी लोग। तो मैं जमशेद जी की बात नहीं, JRD टाटा की बात कर रहा था। उन्होंने भी शादी नहीं किया था, जीवन भर काम किया। रतन टाटा हैं अभी, वो काम कर रहे हैं। ये लोग इतना पैसा हॉस्पिटल बनवाने में, धर्मशालाएं बनवाने में, विद्यालय बनवाने में, रोड बनवाने में, इन लोगों ने इतना पैसा लगाया। कैंसर का जो भारत में सबसे बड़ा हॉस्पिटल था वो टाटा का हॉस्पिटल था, अभी तक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। किसी को कैंसर हो वो टाटा के यहाँ चला जाए, सस्ते में इलाज करते हैं, सरकारी दाम पे। ये लोग पैसे भी कमाए और इन्होंने
धर्म कर्म भी किया, बिड़ला है, बिड़ला, बिड़ला ने पैसा कमाया और उन लोगों ने विद्यालय बनवाए, अनाथालय बनवाए, चिकित्सालय बनवाए, ये सब काम वो करते रहे। पता नहीं उनके पुरखों ने सिखाया रहा होगा कि जितना कमाओ उसमें से कुछ जरूर देते रहो, क्योंकि जनता का पैसा आ रहा है। अब एक ऐसी पीढ़ी आ रही है जो दोनों हाथ से कमाती है, लेकिन वो कुछ देना या करना नहीं समझती है। जैसे हमारे यहाँ अंबानी हैं, आज के दौर के वो भारत के नहीं दुनिया के टॉप लोगों में से आते हैं। अडानी हैं, एक नया आदमी तैयार हुआ है, 20 वर्षों में भारत का सबसे धनी आदमी हो गया। इन लोगों से अगर कुछ धन या धर्म पुण्य की बात करो तो उन्हें लगेगा ये किस जमाने के आदमी हैं, पैसे हम कमाएं, मेहनत हम करें और दान पुण्य के लिए पैसा दे दें। ये एक विज्ञान ने भोगों की इतनी राशि इकट्ठी कर दी है कि आदमी की आंखें चौंधिया गई हैं, वो भूल सा गया है कि कैसे जीना है, कैसे करना है, या अब तक हमारे पुरखे कैसे करते रहे हैं। एक बार इटावा की तरफ गए थे तो वहाँ के एक बुज़ुर्ग से बात होती थी। वो कहते थे पहले हमारे यहाँ गरीबी थी लेकिन हमारे बच्चे सुरक्षित रहते थे। अभी क्या हुआ कि यहाँ से सड़कें निकल रही हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उद्योग लग रहे हैं, किसानों को पैसा दिया जा रहा है, अच्छी फसल लगाओ, सब्सिडी दी जा रही है। तो उन्होंने अपने यहाँ बताया कि हमारी 1.5-2 बीघा ज़मीन सरकार ने ले ली और कई करोड़ रुपए हमें मिले। इतने पैसे तो हमारे बच्चों ने देखे नहीं थे हमारी कमाई में। तो महंगी गाड़ियाँ, महंगे शौक, महंगे नशे, और वो कहते थे महंगी गाड़ियाँ, तेज जाना, तेज चलना, गलत काम करना, बहुत से लड़के जवानी में मर गए, हमारी बहुएं विधवा हो गईं, बहुत से लड़के जेल में पहुंच गए। वो कहते थे गरीबी इतनी ज़्यादा दुखद नहीं थी जितनी ये अमीरी दुखद हो गई हमारे लिए। बड़ा एक नशे में हम जीने लगे हैं। विद्या बढ़ रही है, बुद्धि बढ़ रही है, लेकिन जो जीने का तरीका था वो कहीं खोता सा चला जा रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़े, जैसे जैसे आदमी कैसे जीता है, देखा देखी में जीता है। जिंदगी बेशकीमती है। बेशकीमती का मतलब ये होता है कि कितनी भी कीमत दे दो जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन हम उसे मजाक बना करके जीते हैं और देखा देखी में जीते हैं। अमुक कैसे जी रहे हैं, अमुक कैसे कर रहे हैं, और अधिकतम जो मैं देखता हूँ उसमें जो प्रभाव है वो फिल्मों वालों का है। जो फिल्म के कलाकार जीते हैं, जो ये स्पोर्ट्समैन जीते हैं, खिलाड़ी जीते हैं, इनका प्रभाव छात्रों पर, युवकों पर, लड़कों पर बहुत ज़्यादा होता है। जब कोई फिल्म का कलाकार बूढ़ा होकर के मरता है तो कोई अखबार वाला उसकी बुढ़ापे की फ़ोटो नहीं देता है, वो जवानी की फ़ोटो देंगे, जवानी के गीत दिखाएंगे, ये चले गए। क्यों नहीं दिखाते हो कि कैसे बूढ़ा होकर के मरा, इसका शरीर भी कैसे वैसे ही सड़ा है, वैसे ही कमज़ोर हुआ है जैसे सबका होता है। ये क्या मिली भगत है क्या, मीडिया वाले, अखबार वाले, धनी, ये वही चीज़ें दिखाएंगे जिनसे हमारी आँखों में
पट्टी बंधी रहे। थोड़े से कुछ लोग धर्म की तरफ जाते हैं, धर्म कर्म में लगते हैं, वो भी बेचारे भगवान खोजने में लगे हैं। कैसे कुछ समझ में आता है कैसे जिए हैं? बैठो तो भगवान को मत खोजो, कुछ थोड़ी देर बैठो और सोचो अपने आप में कैसे जी रहे हो। जो 10, 20, 30, 40 साल पहले जीते थे वो कैसा था, जो अभी जी रहे हो वो कैसा है, अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, वो कैसे जिए। नशे में, देखा देखी में, बहकावे में कैसे जियोगे? और चीजें बढ़ती जा रही हैं और आदमी की हविस बढ़ती जा रही है, उसका पागलपन बढ़ता जा रहा है। किसी से पूछो, दिल्ली में आप या मुंबई में आप किसी से पूछें कैसे हो, उसके पास टाइम ही नहीं है सोचने का कि मैं कैसा जी रहा हूं। वो सोचता है एक सेकंड में मैं पीछे ना हो जाऊं। एकदम जैसे बदहवासी का दौर चल रहा है। पुस्तकें आज के समय में सबसे फिजूल की चीज है पुस्तकें। कभी कभी मैं लोगों से पूछा करता हूं, आप किताब पढ़ते हैं? हाँ, पहले पढ़ते थे तो याद है किताब का नाम? अंतिम बार कौन सी किताब पढ़े थे? पिछली बार कब किताब पढ़े थे? तो मुस्कुराएंगे, नीचे देखने लगेंगे, याद ही नहीं है कि हमने किताब पढ़ी थी। सरकार ने एक छोटा सा बच्चा हाथों में दे दिया है और उसने आदमी को सब भुला दिया है, वो सब कुछ भूल गया है। पिछले 5 साल में योगी सरकार कोई नौकरी नहीं दे पाई युवकों को, लड़कों की वैकेंसी कोई नहीं निकाल पाए। घर वाले भी जानते हैं, हर महीने 5,000-7,000 रुपया बच्चों को पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेज रहे हैं, कमा करके बच्चे रह रहे हैं, महीने में 7,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं। 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है, जो वैकेंसी आ रही है वो हाई कोर्ट में जाकर के अटक जा रही है। लड़कों को गम नहीं है, क्यों? एक मोबाइल मिला हुआ है, उसी में जी रहे हैं। कुछ जीबी उसमें खर्च करना है, दिन भर खर्च करने में निकल जाते हैं। अगर वास्तविकता से देखो तो लगता है ऐसे कोई एकदम बदहवास हो गया है, उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे जी रहा हूं, कोई होश नहीं आ रहा है। जीवन को देखा देखी में, नशे में न खोया जाए। जैसे आप जी रहे हैं उसको देखते रहें। क्या दुख कम हुए हैं? मैं कहीं पढ़ता था, जिंदगी क्या है, किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। ये तो अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। मुफलिस माने गरीब, कबा माने कुर्ता। मुफलिस का कबा गरीब का कुर्ता जैसे होता है ना, गरीब का कुर्ता देखो मैला कुचैला होगा, उसमें ठेगड़े ठेगड़े लगे रहेंगे, एक जगह सिला जाता है दूसरी जगह फटता है, वहां लगाते हो तीसरी जगह फटता है। जीवन ऐसे ही है, दुखों की ढेर बढ़ती जाती है और हम बौखलाए हुए से बदहवास से देखते हैं, उसको इतना मिल गया, उसको इतना मिल गया, हमारे हिस्से में कुछ नहीं आया। जो हमारे हिस्से में आया भी है वो हमें नाकाफी लगता है, कम लगता है। ऐसे अगर जिएंगे हम तो शायद भिखारी जैसे मरे। भिखारियों की दशा कैसी होती है? वो जहां रहते हैं उनके मरने के बाद जब जगहों को खोदा जाता है, खाली करवाया जाता है, तो पता चलता है कि भैया यहां तो बहुत पैसा गाड़ के रखे हैं ये,
हजार में नहीं लाखों में रखे हैं, भिखारी हैं, लेकिन जीते जी भिखारी जैसे रहे। अगर हम जीवन को समझते नहीं हैं, अपनी मानसिकता को नहीं बदलते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो बस देख देख करके दूसरों को जलना, द्वेष बढ़ाना, अपने लोगों से बैर बढ़ाना और बस ऐसे ही चले जाना। अभी साथियों से बात हो रही थी, वो कहते थे एक संत के बारे में जानकारी मिली, अफवाह अफवाह कि उनका शरीर छूट गया, यद्यपि वो मरे नहीं थे, थोड़ी सी बीमारी कुछ हुई थी। लोग उत्सुक हैं कि भैया तुम जाओ खाली करो, हकीकत में नहीं मर रहे हो, तो थोड़ी देर अफवाह ही सही, थोड़ी देर हम रिलीफ मिल जाए हमें कि हाँ चलो मर गए। घर के मुखिया, मठ के स्वामी हर चीजें दाब करके बैठे हुए हैं, सिखाने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है। हम कम ना हो जाएं, हमारी कीमत घट ना जाए, तिजोरी की चाबी अपनी ही घुन्नी हमेशा बांधी जाती है, दूसरों को नहीं दी जाती है। इंतजार कर रहे हैं लोग कि कब श्रद्धांजलि मनाएं तुम्हारी। अगर कोई ये सोचने लगे कि तुम कब जाओ, इससे अच्छा है आप सोचना शुरू कर दीजिए, मैं इस तरीके से जीऊं कि मैं इंडिपेंडेंट होकर के जीऊं, मुक्त होकर के जीऊं। ऐसा ना हो कि लोग, मैं बोझ जैसे हो जाऊं और लोग सोचें जगह खाली करो। मुझे यहाँ बोलना है, मान लीजिए मुझे 20 मिनट के लिए कहा गया, मैं 15 मिनट में बंद कर दूं, ये मेरी बुद्धिमानी है, बजाय कि मैं 22 मिनट बोलूं और अगला आदमी सोचे अभी क्या मेरा भी टाइम खाएगा क्या। 60 साल तक अगर कोई जी ले तो वही एवरेज लाइफ है हिंदुस्तान में, 60 के ऊपर जी रहे हैं तो बोनस है, शिकायत मत रखिए और उस चीज के लिए तैयार होना सीखिए। 60-62 बरस बहुत है, इतने तक ही अधिकार समझो, ज्यादा बढ़ाते जाओगे 80 साल तक जियोगे तो क्या लोग इंतजार करते रहेंगे क्या, मनाने लगेंगे भगवान से, मनौती मांगेंगे मानेंगे। ये जो जीने का ढंग है, जो जीने का तरीका है, ये अनुभव के साथ आना ही चाहिए, और अगर नहीं आता है तो फिर इसका मतलब है कि सिर्फ अनुभव का कूड़ा बढ़ा, उससे हमें कोई रोशनी नहीं मिली। कोई डॉक्टर से दोस्ती करे लेकिन अपनी आँखें ठीक ना रख पाए तो डॉक्टर से दोस्ती करने का कोई मतलब ना बना, कोई तुक ना बना, वो ऐसे ही बीमार रह गया। ये जो अध्यात्म है, ये जो धर्म कर्म है, वो इसीलिए है कि हम हल्के होकर के जिए, देखा देखी में ना जिए, अच्छा जीवन जिए। कुछ थोड़ी बातें मैंने कहने की कोशिश की, अपनी बात को मैं यहीं पर